नमस्ते, आज मैं आप लोगों को मोरिंगा के बारे में बताऊंगा। मोरिंगा को हिंदी में सहजन कहते हैं, सोजीना कहते हैं, अलग अलग जगह में इसका अलग अलग नाम है। आयुर्वेद में मोरिंगा को संजीवनी कहा जाता है। तो इस पत्तियां का क्या यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, तो इस वीडियो में बताता हूँ क्या क्या इसके फायदे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को एक संजीवनी ड्रिंक बताऊँगा। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, जिनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है, कैल्शियम की कमी होती है, जिनको कोलेस्ट्रॉल का लेवल जिनका हमेशा हाई रहता है, इस मेथड का आप यूज़ करके इन सब पे आप कंट्रोल पा सकते हो। जिन लोगों के पास मोरिंगा का पत्ता अवेलेबल नहीं है, मोरिंगा का लीफ्स अवेलेबल नहीं है, वो लोग अमेजन से मोरिंगा के पाउडर को मंगवा सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्रेश लीफ्स का यूज कर रहा हूँ, उसे अच्छे तरीके से पहले धो लूँगा। उसके बाद एक ग्लास नॉर्मल पानी लेना है आपको, और पानी में मोरिंगा के पाउडर को डाल के 5 से 10 मिनट तक बॉयल करना है। बॉयल आपको फुल फ्लेम पे करना है। आपको 3 से 4 ब्लैक पेपर, जिसे काली मिर्च भी कहते हैं, उसको लेना है और अच्छे तरीके से कोट लेना है। पहले अच्छे तरीके से कूटने के बाद ब्लैक पेपर को आप खोलते हुए मोरिंगा के पानी के साथ कुछ देर तक इसे भी बॉयल करोगे। बीच बीच में चम्मच से आप अच्छी तरीके से इसे मिक्स करोगे, अच्छी तरीके से इसे मिलाते रहोगे। बॉयल करने के बाद 2 से 3 मिनट आपको इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये हल्का ठंडा हो जाए, पीने के लायक, हल्का ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, तो इसे अच्छे तरीके से छान लेना है। आप थोड़ी सी नमक मिला के इसे पी सकते हो, बट नमक आपका सेंधा नमक या काला नमक होना चाहिए। ये जो ड्रिंक बनके तैयार हुआ है, इसे आयुर्वेदा में संजीवनी कहा जाता है। जी हाँ, ब्लड प्रेशर में, शुगर में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये ड्रिंक आप आँख बंद करके ले सकते हो। आप 10 से 15 दिन इसे लेके देखो और अपना रिपोर्ट को चेक करो, ऑटोमेटिक आपको कमी साफ देखने को मिलेगी। आप इसको प्रेगनेंसी में भी ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है इसे लेने में। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है सफ़र विद मयंक, SAFAR सफ़र, WITH विद MAYANK मयंक। किसी भी उम्र के लोग इसे पी सकते हो, सर्दी जुकाम में भी बच्चों को इसे दिया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। तो जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।